दोस्तों द लेजेंड्स ऑफ हनुमान सीजन 3 का हम इतना टाइम से वेट कर रहे हैं लेकिन अब तक इसका सीजन 3 देखने को नहीं मिला है और आज कुछ ऐसी न्यूज निकल कर आई है जो कि और भी ज्यादा बुरी है। लेकिन दोस्तों जानने के लिए वीडियो का एंड तक देखना तो पड़ेगा ही। दोस्तों वीडियो का एंड तक देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। एज यू नो दोस्तों इसका सीजन 3 जो है वो हमें इस साल के एंड में देखने को मिलने वाला था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स का कहना है कि इसके सीजन 3 की जो अनाउंसमेंट है वो अब तक नहीं हुई है। एक इतनी ज़्यादा बुरी बात है दोस्तों, ये सीरीज इतनी ज़्यादा सुपर है, इतनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसके मेकर्स ने अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। मेन मुद्दा तो यही है दोस्तों, उन्होंने ऐसा बोला है कि इस साल की एंड में वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे कि सीजन 3 कब देखने को मिलेगा। मतलब दोस्तों इतने दिनों से हम जो वेट कर रहे हैं वो बिना मतलब का ही है। दोस्तों पहले अपडेट्स निकल कर आई थी कि इस साल के एंड में देखने को मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि इस साल के एंड में सीजन 3 देखने को मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स का यही कहना है कि इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस साल के एंड में होंगे। दोस्तों फिलहाल ऐसी अपडेट्स निकल कर आई है कि इसके अनाउंसमेंट एंड में होंगे, उसके बाद आपको सीजन 3 देखने को मिलेगा। तो इस साल में आपको देखने से मिलने से रहा, लेकिन दोस्तों 2023 में आपको देखने को मिलेगा। और कुछ लोग ऐसा कह रहे कि 2023 के भी एंड में आएगा। हाँ तो कुछ सोर्सेस, कुछ प्लेटफॉर्म मैंने चेक किए जहाँ पर ऐसी न्यूज़ निकल कर आई है। मतलब दोस्तों कितनी ज़्यादा बुरी बात है। वैसे दोस्तों आप बताओ आपको कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसके सीजन 3 के अब तक दोस्तों काम नहीं हुआ या फिर ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है। दोस्तों मैंने जब देखा मैं एकदम से शॉक हो गया कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है, सब लोग इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बुरी बात लगी मुझे। वैसे दोस्तों ऑफिशियल कन्फर्मेशन हम होने देते हैं, उसके बाद ही हम रिलीज डेट के बारे में अब बात करेंगे, क्योंकि उसके बारे में कोई अब मुद्दा बनता ही नहीं है। दोस्तों आप बताओ सीरीज का कितना वेट कर रहे हो, मेकर्स को क्या कहना चाहते हो, सारी चीज़ें कमेंट में बताना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।